गोरखपुर पुलिस ने आज 3 महीने पहले हुए 1.5 करोड़ के दवा लूटकांड की घटना का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने इस लूटकांड को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना जीतेन झाला को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने अवैध असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल और काफी कैश बरामद किया। इस संबंध में SPCT विनय कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को सिलीगुड़ी से दवा लदी ट्रक को उन्होंने रेकी कर पीछा किया और गोरखपुर से राप्ती नदी के पास ट्रक को ओवरटेक कर उसे रोका। अपने साथियों के साथ इन्होंने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बंधक बना लिया और कुछ दूर जाकर उनको फेंक दिया। इस ट्रक में 1.5 करोड़ की दवाएं लदी हुई थी जिनको यह अपने सेट की गई दुकानों पर बेचने के फिराक में थे। इसके अलावा इस गिरोह ने कई और घटनाओं को अंजाम दिया था। MP के देवास जिले के जिला भैरवा खड़ी गांव का यह अपराधी वहां के लोगों का पेशा ही लूट हत्या को अंजाम देना है। जितेंद्र के ऊपर गोरखपुर पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस इसके और साथियों की तलाश कर रही है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SPCT विनय कुमार सिंह ने कहा, ये इनका मेन रूप नहीं था, ये इनोवा गाड़ी में बैठा हुआ था। ये लोग अपने गांव से एक ट्रक और एक इनोवा लेके चले घटना करने के लिए और उस ट्रक का पीछा या लगातार सिलीगुड़ी से काफ़ी मेहनत किया गया। कहीं से मुकाबले हुई ये देवास से एक ट्रक और एक इनोवा लेके चले, दोनों गाड़ियों में 8 लोग बैठ के चले। ट्रक सिलीगुड़ी से यहाँ तक आने में लग गया था 2 दिन। जहाँ भी ढाबे या हाईवे पर रुकती थी खाना खाने के लिए, ये लोग भी एक नजरी मिला बनाते हुए अपोजिट साइड के ढाबा पर उसकी रेखी करते रहते। कभी ट्रक उस गाड़ी के साथ होती थी, कभी इनोवा साथ होती। इनोवा से रेखी कर रहा था, बाद में जब सिग्नल मिला उसको किए हुए छोड़ने की बात हुई, फिर ये लोग सीधे लेके वहाँ गए। बाकी साथी बड़ा फरार है, बड़े ही प्रोफेशनल, बड़े ही पेशेवर टाइप लगे हैं। ये 4 दिसंबर की रात्रि में खोराबार थाना क्षेत्र में बाईपास पे एक ट्रक जो पूरी दवाओं से भरी हुई थी, यह सिलीगुड़ी से एलेमिक कंपनी से चल के जयपुर के लिए जा रही थी। रास्ते में डकैतों ने ड्राइवर और खलासी को ओवरटेक करके शीशा तोड़ के नीचे उतार के बंधक बना के दवाओं से भरी ट्रक को लूट लिया था और उसमें 3-4 लेयर दवाओं उतारने के बाद बाकी ट्रक जो बरामद हो गई थी। इस घटना के खुलासे के लिए लगभग दवाओं की कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी इसमें, और जो दवाएं ले गए डकैत लूट की उनकी कीमत भी 70 लाख के आसपास की थी, बाकी दवाएं छूट गई थी। इस घटना के खुलासे के लिए SWAT और सर्विलांस की टीम और थाना खोराबार की टीम लगी हुई थी। इन लोगों के प्रयास से इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और उस घटना में एक डकैत गिरफ्तार किया गया है। जैसे इस घटना का अनावरण हुआ है, कुल कितने लोग इस घटना में शामिल थे और पूरी कहानी का खुलासा हुआ है।